हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीपाली। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ग्लोब देखा था हमने, मतलब सॉरी हमारे हमने वाटर कौन से ओशियंस होते हैं। आज हम पढ़ेंगे लिथोस्फियर पढ़ा था हम। पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। ओके, तो हमारे जो अर्थ है उसमें कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? टोटल मिला के 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। तो जो सेपरेटेड है वो लार्ज वाटर बॉडीज में, तो जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? फर्स्ट इज एशिया, सेकंड इज यूरोप, थर्ड इज अफ्रीका, फोर्थ इज नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ इज साउथ अमेरिका, सिक्स्थ इज ऑस्ट्रेलिया एंड सेवन्थ इज एंटार्क्टिका। ओके, तो ये 7 हमारे जो मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। तो जो इंडिया है वो किस में है? इंडिया है एशिया में। ओके, तो जो मैप लोकेट किया है वर्ल्ड में वो नोटिस किया है गया है जो ग्रेटर पार्ट है लैंड का, जो मास है उसका, जो लाई करता है कौन से, किस में लाई करता है? वो नॉर्दर्न हेमस्फीयर में लाई करता है। तो एशिया जो है जिसमें इंडिया है, तो वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो कवर्स करता है वन थर्ड ऑफ द टोटल लैंड एरिया। वो कितना कवर करता है? वन थर्ड पार्ट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ कवर करता है वो। और जो कॉन्टिनेंट है वो लाइज करता है ईस्टर्न हेमस्फीयर में। तो वो किस में है? एशिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, जो पासिस करता है थ्रू ये कॉन्टिनेंट में। जो एशिया है वो सेपरेटेड है यूरोप में, यूरोप में बाय द यूरल माउंटेन्स वेस्ट में जो है। और जो कॉम्बिन है लैंड मासिस में यूरोप के और एशिया के, उसे हम बोलते हैं यूरेशिया। यूरोप और एशिया कॉम्बाइंड हो गए तो उसे हम बोलेंगे यूरेशिया। और जो यूरोप है वो ज़्यादा स्मॉलर है एशिया से, बहुत स्मॉलर है वो एशिया से। और जो कॉन्टिनेंट है वो लाइज करता है वेस्ट एशिया में। और जो आर्कटिक सर्कल है पासिस करता है थ्रू उसके वाटर बॉडीज के बाउंड्री से, जो 3 साइड्स का है और वो हमारे वर्ल्ड के मैप में लोकेट किया गया है। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। जो अफ्रीका है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। क्यों सेकंड लार्जेस्ट? क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट इज द एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका है। तो जो उसका इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड रन करता है ऑलमोस्ट, वो मिडल कॉन्टिनेंट में माना जाता है। और जो लार्ज पार्ट है अफ्रीका जो लाइज करता है नॉर्दर्न हेमस्फीयर में। और जो वो लुक वो दिया गया है ट्रॉपिक ऑफ, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है। और जो इक्वेटर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से पास होता है। जो सहारा डेजर्ट है वो वर्ल्ड लार्ज हॉटेस्ट डेजर्ट है। जो कहाँ पे लोकेट करता है? एशिया, अफ्रीका में लोकेट करता है। और जो कॉन्टिनेंट है वो किस में बाउंडेड है? ऑल जो थ्री साइड्स से बाउंडेड है। वो कौन से हैं? ओशियंस एंड सीज। तो जो आप अगर मैप में देखोगे तो वो आप नोटिस करोगे जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी रिवर है? नाइल रिवर जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर है जो फ्लो होती है अफ्रीका के पास से वो फ्लो होती है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो भी मैप अफ्रीका के मैप से पास होते हैं। देन नॉर्थ अमेरिका है जो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। क्योंकि फर्स्ट तो एशिया है, सेकंड तो अफ्रीका है, थर्ड है नॉर्थ अमेरिका। तो ये लिंक्ड है साउथ अमेरिका में, बहुत नैरो है लैंड के, तो उसे हम बोलेंगे इस्ट्यूमस ऑफ पैनामा। उसे हम क्या बोलेंगे? इस्ट्यूमस एंड ऑफ पैनामा। जो कॉन्टिनेंट है वो लाइज करता है कम्प्लीटली नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमस्फीयर में। और जो 3 ओशियन सराउंडेड है ये कॉन्टिनेंट के, उनके ओशियंस के नेम है। देन हमारा आया साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो लाइज करता है सदर्न हेमस्फीयर में, जो 2 ओशियन से सराउंडेड है ईस्ट और वेस्ट से। जो एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन है रेंज माउंटेन, जो एंडीज माउंटेन है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, जो रन करता है लेंथ नॉर्थ टू साउथ रन करता है। और जो साउथ अमेरिका है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है अमेजॉन की।
तो ऑस्ट्रेलिया जो अब नेक्स्ट आया हमारा ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे सदर्न हेमिस्फीयर में, जो सराउंडेड है थ्री साइड से ओशंस के, सीज ओशंस और सीज के, तो इसे हम बोलेंगे आइसलैंड कॉन्टिनेंट। हम ऑस्ट्रेलिया जो है उसे हम और क्या बोल सकते हैं, आइसलैंड आइलैंड कॉन्टिनेंट। देन आया हमारा एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका वो कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में ह्यूज कॉन्टिनेंट है एकदम, तो एंटार्क्टिका हमारा लास्ट है। तो जो साउथ पोल है वो ऑलमोस्ट लाइज करता है सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट में, तो वो लोकेट करता है साउथ पोलर रीजन में जो परमानेंटली कवर है थिक आइस शीट से, तो वहाँ पे जो ह्यूमंस नहीं होते, सेटलमेंट्स नहीं होते। तो जो बहुत कंट्रीज जो रिसर्च की है स्टेशंस में एंटार्क्टिका में, तो जो इंडिया इंडिया में रिसर्च चालू है ये इंडिया के स्टेशंस में, तो उसका नाम है, उसका नाम दिया गया है मित्री एंड दक्षिण गंगोत्री। उसका नाम क्या दिया है, मित्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ओके, तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, कमेंट मी कैसा लगा, और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगी। सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड बाय बाय।